एक्सक्यूज मी, इस रिस्क्यू ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है? मिस्टर शिप कौन है? लो, डॉक्टर आ गए। आई जी, मैं शिव। मैं डॉक्टर। प्लीज आइए, कम ऑन। ये देखिए। अच्छा, मुझे वो स्क्रीन क्या यहाँ मिल सकती है? जी, मैं करवाता हूँ। प्लीज करवाइए। वो स्क्रीन को यहाँ सेटअप करो, फटाफट, जल्दी जल्दी, फटाफट। जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्ची को बचाने का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है और अभी तक ऐसा लग रहा है कि बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर भी आ चुके हैं, वो पहले पारो का चेकअप करेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उसके हिसाब से आगे का बचाव का काम शुरू होगा। कैमरा ऑन करो फटाफट, जल्दी। कितना टाइम हो गया बच्चे को गड्ढे में गिरे हुए? गिरी है वो। तब तो फिर हमें बच्चे को जगाना पड़ेगा। मिस्टर शिव जी, ये गड्ढा कितना गहरा है? ये तकरीबन 70 फीट होगा। ये एक अच्छी बात है कि बोरवेल नीचे से चौड़ा है, कम से कम बच्ची मूव कर पाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इतना गहरा है कि ऑक्सीजन लेवल गिरता रहेगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, अभी तो वो सेफ है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो सांस ले रही है। या तो वो गहरी नींद में है या फिर वो बेहोश है, और ये सिचुएशन और हालात सही नहीं है, इनफैक्ट डराने वाले हैं। हमें बच्ची को जगाना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं, और अगर बच्ची नहीं जागती है तो उसका मतलब उसके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है, मतलब अंदरूनी हिस्सों को नुकसान हो सकता है, और सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप ये सब मत बोलिए प्लीज। उसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे मुझे पता है उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उसे, कुछ नहीं होगा उसे, मुझे तुम्हें पता है ना कि वो बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें पता है ना वो इतनी बहादुर है, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी, काम डाउन, उसे कुछ नहीं होगा। पारू को हमारी बहुत जरूरत है इस वक्त, प्लीज प्लीज रोना बंद करो, और कुछ नहीं होगा उसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पारू को कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो ना, पारो डरती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। अभी जब किडनैप हुई थी तो सीढ़ी से गिर के बेहोश हो गई थी, और स्कूल की रेलिंग से गिर के बेहोश हो गई थी, तो फिर वो जाग गई ना, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वैसे हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे पारो को। तुम अरे, हमारी पारो को कुछ नहीं होगा। दिस इज हैपनिंग, व्हाट? इन दोनों में सुलह हो गई क्या? कब? मैंने तो लुकिंग ही नहीं किया। सुना है मुश्किल वक्त दिलों को पास लाता, मतलब सिर्फ सुना है मैंने। हाँ, सही कह रहे हो, वो डरती है तो वो बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर जब वो उठ जाती है तो वो और भी ज्यादा बहादुर हो जाती है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, कुछ नहीं होगा उसे। माइक चला गया, अब आप लोग बात कर सकते हैं। ओके, सर बात करिए थोड़ा सा, देखिए वो सुन रही है। हाँ, मैं देख जल्दी जल्दी जी। पारो, पारो, अब हमें सुन पा रहे हैं? आप में से बच्ची की माँ कौन है? आप, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी, प्लीज आप इनसे बात करिए, नहीं उठाइए, ये आपकी बात सुनेंगी। रश्मि, कम ऑन, जगाओ उसे। पारो, पारो ना, प्लीज बात करते रहिए। पारो, पारो उठना बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे, प्लीज उठना। पारो, पारो, पारो उठना प्लीज, पारो। नहीं नहीं सुन रही है। पारो, पारो उठना प्लीज, पारो, पारो, मुझे ना बहुत रोना आ रहा है, प्लीज उठ जा, प्लीज प्लीज पारो, पारो उठना। नहीं नहीं उठ रही है। दर्द हो? पारो, पारो बेटा, आपको आवाज आ रही है? मैं डैड बात कर रहा हूँ। पारो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। पारो प्लीज जाग जाओ, प्लीज हमें बात करनी है आपसे। पारो, पारो देख, अगर अगर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे ना बहुत रोना आएगा, मैं ना बहुत रोऊंगी, तू सुन रही है? मुझे बहुत रोना आएगा सच्ची में, मैं चली भी जाऊंगी यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, समझी तू? मैं चली जाऊंगी। क्या कर रही हो? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम मुझसे बात करती हो? मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। पारो,
बेटा मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ना चली जाऊंगी अगर तू नहीं उठी तो। मैं गांव चली जाऊंगी, मैंने टिकट भी ले लिया अपनी, मैं तुझे छोड़कर गांव चली जाऊंगी हमेशा के लिए। और वहां पर ना, वहां जाके ना तेरी फ्रेंड ने ना दिया, मैं ना उसके बर्थडे में जाऊंगी और बहुत उसे ना बहुत प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, उसके साथ ही खेलूंगी सिर्फ, और उसके लिए नए कपड़े भी लेकर आऊंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी फिर, तू देख लेना। पारो उठ ना, पारो तू जाती है मैं चली जाऊं, पारो प्लीज, वो उठी नहीं रही है, वो ऐसी बातों से उठ जाती, उसे ना उसे बहुत जलन होती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे करती है, एकदम से भड़क जाती है, वो जवाब ही नहीं दे रही है। पारो उठ ना प्लीज, पारो मैं बोल रही हूँ मैं चली जाऊंगी। तुम बिल्कुल पागल हो, बच्चों से ऐसे बात की जाती है क्या? हाँ हाँ बात करते हैं। पारो 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 तुम आंखें खोलो पारो, हम बड़ी मॉम, अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना पारो, हम बोल रहे हैं तुमसे, आंखें खोलो, हम गुस्सा नहीं करेंगे, कभी नहीं डांटेंगे, बस आंखें खोल लो पारो, पारो तुम सुन रही हो ना हमारी बात, पारो मॉम मॉम प्लीज आप लक्ष्मी को बात करने दीजिए, उसका जुड़ाव ज्यादा है, वो माँ है, आपका भी इतना जुड़ाव हुआ नहीं पारो के साथ, वक्त के साथ हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, बट प्लीज अभी लक्ष्मी को बात करने दीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज लक्ष्मी हाथ कर ले, जगा उसे, पारो 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 डैड बात कर रहे, पारो प्लीज उठ जाओ, आपकी माँ ना बहुत रो रही है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा आपकी हालत देख के, पारो वो बहुत ज्यादा रो रही है, प्लीज आप जाग जाओ ना प्लीज, वो आपकी आवाज सुनना चाहती है, वो आपसे बात करना चाहती है, प्लीज पारो पारो कम ऑन पारो, आप मेरा स्ट्रांग बच्चा हो ना पारो, आप बहुत ज्यादा बहादुर हो ना, स्ट्रांग हो ना, आपकी माँ आपसे बात करना चाहती है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, प्लीज पारो पारो प्लीज जाग जाओ पारो, पारो आप नहीं चाहोगे ना कि आपकी माँ आपसे दूर चली जाए, वो सच में चली जाएगी, वो बहुत ज्यादा रो रही है, वो आपको ऐसे नहीं देख पा रही है, पारो प्लीज जाग जाओ, पारो कम ऑन